नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद पाखिला। राज्योत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये राज्योत्सव नहीं भूपेश्व है। किसी भी दूसरे दल के नेताओं को सम्मानजनक ढंग से आमंत्रित नहीं किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि यदि मकान में कोई आमंत्रण फेंक कर चला जाए तो भला ऐसे में कौन मंच साझा करेगा। धरमलाल कौशिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। राज्योत्सव को लेकर सरकार जरूर भव्य आयोजन करने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे मंच पर नजर नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। न्योता मिला आपको, लेकिन आप पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कि ये केवल मुख्यमंत्री जी का राज्योत्सव है और इसलिए आप देखेंगे स्टॉल को भी तो विभागीय मंत्रियों का भी फोटो गायब है। इस राज्य के निर्माता है उनका भी उल्लेख नहीं है और सामान्य शिष्टाचार भी अब तो सरकार भूल गई है। अभी तक के ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि सामान्य शिष्टाचार में भी कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं उनको कोई आमंत्रित किया जाए तो ऐसे स्थिति में कैसे जाएंगे। और इसलिए जब हम तो उसमें अग्रसर थे लेकिन सरकार नहीं चाह रही है तो उसमें जाने से उसका औचित्य क्या है। मध्य प्रदेश में भी कल राज्योत्सव मनाया गया और वहाँ मंच की जो तस्वीरें थी जिसमें मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ मंच साझा कर रहे थे, मंच मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ने भाषण भी दिया, छत्तीसगढ़ में संस्कृति होनी चाहिए थी। देखिए, इसके पूर्व आप देखेंगे कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय कांग्रेस के भी नेता विद्याचरण शुक्ल जी से लेकर के बाकी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था। नेता प्रतिपक्ष को हमेशा विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। मैंने कहा ना कि अब इसमें तो जो सामान्य कटसिकाल होना चाहिए शायद सरकार उसको भी अब भुला देना चाहती है, इसलिए उसके विषय में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर रमन सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नेता प्रतिपक्ष बंगले पे कार्ड फेंक कर चले गए तो ऐसे आमंत्रण को कौन स्वीकार करेगा। ये वाक्य क्या घटा था कि व्यक्तिगत तौर पर आपको आमंत्रित किया? नहीं, मुझे अभी तक के आमंत्रित नहीं किया गया है। मैंने तो पहले बताया कि घर में कार्ड दिखा है, लेकिन घर में कार्ड दिखा लेकिन ना तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा न ही नोडल विभाग के मंत्री के द्वारा कि एक सामान्य के आमंत्रित किया जाता है। यदि इतना भी नहीं निभा पा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें राज्योत्सव का आमंत्रण नहीं दिया गया। धरमलाल कौशिक का ये कहना है कि उन्हें जिस तरीके से जिस परंपरा के तहत आमंत्रित किया जाना था वो आमंत्रण उन्हें नहीं मिला और ऐसे में किसी भी विपक्षी नेता का उस मंच को साझा करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।